तो जैसा कि इस टाइम पे आप अपनी वीडियो स्क्रीन के ऊपर 5 मोबाइल फोन यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो सबसे पहला फोन है हमारे पास iPhone 14 Pro जिसके अंदर iOS 17 वर्जन हम रन कर रहे हैं, और दूसरा फोन है हमारे पास Nothing Phone 1 जिसके अंदर हम Nothing OS 2.0 यहाँ पे रन कर रहे हैं, और तीसरा फोन है हमारे पास Google Pixel जिसके अंदर हम Android 14 यहाँ पे रन कर रहे हैं, और चौथा फोन है हमारे पास Galaxy S22 Ultra जिसके अंदर हम One UI 5.1 रन कर रहे हैं, और लास्ट है हमारे पास Xiaomi का Mi 11X जिसके अंदर हम MIUI 14 रन कर रहे हैं। तो आप देख ही पा रहे होंगे कुछ इस तरीके की लॉक स्क्रीन आपको देखने को मिलती है। तो आज के इस वीडियो में हम जो है इन सभी पॉपुलर OS के जो है लॉक स्क्रीन का जो है कंपैरिजन करने वाले हैं और देखेंगे किसमें क्या क्या कस्टमाइजेशन आपको देखने को मिलती है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, मैं सारी डिटेल्स आपको बताऊंगा इन सभी पांचों के पांचों OS के बारे में। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देगा, चैनल के सपोर्ट एंड मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं iOS 17 की। iOS 17 में आपको कुछ इस तरह का लुक आपको लॉक स्क्रीन पे यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर आप इस पे टैप एंड होल्ड रखते हैं कुछ इस तरीके से, तो उसके बाद जो है आपको इसके अंदर एडिटिंग का ऑप्शन मिल जाता है। आपको एक बार पासवर्ड एंटर करना है और आपको कुछ इस तरह कस्टमाइज का ऑप्शन मिलता है। कस्टमाइज के ऑप्शन पे जाएंगे, लॉक स्क्रीन के ऊपर जाएंगे तो आपको यहाँ पे कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि इसके टाइम स्टाइल के फॉन्ट्स को आप चेंज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, इसके साइज को इंक्रीज करना चाहते हैं तो वो सारे के सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। नीचे आपको कलर के ऑप्शन मिल जाते हैं जिनको आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। तो ये सब चीजें आपको यहाँ पे मिल जाती है। इवन आपको जो विजेट्स के अंदर जो है आप इसके अंदर काफी सारे विजेट्स को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जिन जिन विजेट्स को आपने ऐड करना है तो यहाँ से आप जो है लॉक स्क्रीन में ही जाके ये सारे कस्टमाइजेशन कर सकते हैं और कुछ इस तरह का लुक अपने फोन पे पा सकते हैं। इवन जो है वॉलपेपर में भी आप जो है कुछ इफेक्ट्स को यहाँ पे इजीली ऐड कर पाते हैं। तो कुछ इस तरीके की जो है लॉक स्क्रीन जो है आपको iOS 17 में यहाँ पे देखने को मिलती है। तो आपने देखा कि किस तरीके की आपको जो है लॉक स्क्रीन की जो कस्टमाइजेशन जो है iOS 17 में आपको देखने को मिलती है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट फोन के ऊपर जो कि है हमारे पास Nothing Phone 1 जिसके अंदर हम Nothing OS 2.0 यहाँ पे रन कर रहे हैं। अब इसके साथ हम देखते हैं इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलता है। तो ये देख पा रहे होंगे कुछ इस तरीके की लॉक स्क्रीन जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। आपको कुछ इस तरीके की यहाँ पे टाइम के विजेट्स मिलते हैं और काफी सारे विजेट्स का भी ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते हैं। इसके अंदर भी आपको काफी सारी कस्टमाइजेशन आपको देखने को मिलती है। उसके लिए आपको जो है इसकी सेटिंग्स में जाना पड़ता है। ये देखिए सेटिंग्स में अगर आप जाएंगे तो आपको लॉक स्क्रीन का ऑप्शन देखने को मिलता है। वहां लॉक स्क्रीन के विजेट्स आपको देखने को मिलते हैं जहां से आप जो है काफी सारे विजेट्स को ऐड कर पाते हैं। सपोज कीजिए कि आपको ये वेदर का विजेट नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे क्लॉक का विजेट ऐड कर सकते हैं कि कौन सी क्लॉक आपको ऐड करनी है। आपको और भी काफी सारे नीचे यहाँ पे विजेट्स मिल जाते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो काफी सारे विजेट हैं। इवन जो है आप क्विक सेटिंग्स पैनल के भी विजेट्स को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यदि क्विक सेटिंग्स पैनल को सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद जो भी क्विक सेटिंग्स पैनल के जो टॉगल्स होते हैं उनको आप यहाँ पे ऐड करते हैं। सपोज कीजिए हम स्कैन QR कोड को यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो काफी सारे विजेट्स जो है अब आप भी अपनी लॉक स्क्रीन में यहाँ पे Nothing OS 2.0 के अंदर ऐड कर सकते हैं, यानी कि Nothing OS 2.0 जो कि Android 13 बेस्ड है उसमें भी आपको काफी सारी कस्टमाइजेशन देखने को मिलती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये आपके ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे भी वर्क करती है और आपके लॉक स्क्रीन के ऊपर भी कुछ इस तरीके का लुक आपको प्रोवाइड करती है। तो कुछ इस तरीके का लुक जो है आपको Nothing OS 2.0 में लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन देखने को मिलता है। तो अब चलते हैं हमारे थर्ड फोन पे जो कि है Google Pixel 7 जिसके अंदर हम Android 14 यहाँ पे रन कर रहे हैं। तो इसके अंदर भी जो है आपको लॉक स्क्रीन के अंदर जो है काफी सारी कस्टमाइजेशन तो नहीं देखने मिलती, बट हाँ काफी सारे जो है आपको लॉक स्क्रीन के अंदर जो है आपको क्लॉक के विजेट्स यहाँ पे देखने मिलते हैं। बट उसके अंदर जो है आप उनके कलर्स को चेंज कर सकते हैं, उनके स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, ये सारी चीजें आपको इसमें देखने को मिलती हैं। तो उसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, होम स्क्रीन के ऊपर होल्ड रखना है, वॉलपेपर एंड स्टाइल में जाना है, लॉक स्क्रीन पर जाएंगे तो ये देख पा रहे होंगे आपको काफी सारे जो है क्लॉक्स यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। इवन जो है आप इनके कलर्स को भी चेंज करना चाहें वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके के यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं, आपको नीचे कलर के ऑप्शन मिल जाते हैं किस तरह कलर आपने चेंज करना है तो ये देख पा रहे होंगे। आप इनके साइज को भी चेंज कर सकते हैं, आपको दो तरीके के साइज मिलते हैं, एक डायनेमिक और एक स्मॉल, और कलर्स को चेंज करना चाहें तो वो भी आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। तो इसके अंदर भी जो है आपको काफी सारी कस्टमाइजेशन तो नहीं मिलती है, बट हाँ लॉक स्क्रीन में आपको काफी सारे क्लॉक की सेटिंग्स मिल जाती है। विजेट का सपोर्ट जो है अभी यहाँ पे आपको प्रोवाइड नहीं किया गया, बट ओवरऑल देखा जाए तो फाइनली जो है गूगल ने एंड्रॉइड 14 के अंदर भी आपको कस्टमाइजेशन जो है यहाँ पे प्रोवाइड अप कर दी है, जिससे आप लॉक स्क्रीन के अंदर जो है काफी सारे क्लॉक्स को यहाँ पे इजिली एक्सेस कर पाएंगे और एक अलग सा लुक जो है आप भी अब अपने फोन के अंदर यहाँ पे आप पा सकते हैं। अब चलते हैं हम अपने अगले फोन के ऊपर जो कि है हमारे पास गैलेक्सी S22 अल्ट्रा जिसके अंदर One UI 5.1 हम यहाँ पर रन कर रहे हैं। तो ये देखिए इसके अंदर जो है कुछ इस तरीके की आपको लॉक स्क्रीन देखने मिलती है। अब आपको लॉक स्क्रीन में विजेट्स भी ऐड करने के ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आपने लॉक स्क्रीन को कस्टमाइज करना है, आपने थोड़ी देर तक इसको होल्ड रखना है, उसके बाद अपने पासवर्ड या पिन जो भी आप यूज कर रहे हैं उसको एंटर करेंगे, उसके बाद जो है आपको लॉक स्क्रीन की कस्टमाइजेशन का पेज आता है जहां से आप इसे क्लॉक स्टाइल्स को चेंज कर सकते हैं, उसके फॉन्ट्स को चेंज करना चाहें, कलर्स को चेंज करना चाहें, ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। जैसे कि आपने देखा आपको यहाँ पे फॉन्ट के ऑप्शन दिए गए थे, कौन सा फॉन्ट आपको चाहिए, आप इसको रिसाइज करना चाहें तो आप इनको रिसाइज कर सकते हैं।
ये सारे के सारे आपको लुक मिल जाता है। इवन जो है अब आप इसके अंदर विजेट को भी ऐड करना चाहें तो अब आप विजेट्स को भी ऐड कर पाते हैं, कुछ इस तरह का लुक मिलता है। इवन अगर आपको वॉलपेपर में फिल्टर्स को ऐड करना है तो आप फिल्टर्स को भी ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी कस्टमाइजेशन जो है आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो इसके अंदर भी जो है आपको लॉक स्क्रीन के अंदर जो है काफी सारी कस्टमाइजेशन मिलती है। आपको नोटिफिकेशन के बटन चाहिए कि नहीं, किस तरीके की चाहिए, वो ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। इनको आप ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट में देना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे इजिली कर सकते हैं। तो ये सारी कस्टमाइजेशन आपको जो है 1UI 5.1 के अंदर भी आपको लॉक स्क्रीन की कस्टमाइजेशन में आपको यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। अब चलते हैं फाइनली हम सबसे नेक्स्ट ओएस के ऊपर, जो कि है Xiaomi का काफी फेमस ओएस है MIUI 14। तो आप देख पा रहे होंगे MIUI 14 में कुछ किस तरीके की आपको लॉक स्क्रीन कस्टमाइज नहीं मिलती है। मुझे ये लुक बहुत ज्यादा पसंद है, पता नहीं क्यों मुझे ये लुक इन सभी ओएस में से मुझे सबसे फेवरेट जो है, मेरा अभी तक का फेवरेट लुक है। ना इसमें आपको कस्टमाइजेशन मिलती है, एक सिंपल सा लुक मिलता है, सिंपल सी क्लॉक मिलती है, उसमें चार स्टाइल्स मिलते हैं, ज्यादा किचकिच नहीं है। जिस चार स्टाइल्स मिलेंगे उन्हीं को आप सिलेक्ट कीजिए और उनको यूज कीजिए। उसको चेंज करने के लिए बड़ा ही सिंपल मेथड है ये, फालतू का आपको होल्ड नहीं करना पड़ना है, कुछ भी ऐड नहीं करना है। उसके लिए सिंपली आपने अपने फोन की सेटिंग्स में जाना है, लॉक स्क्रीन की सेटिंग में, और वहां जाके आपको चार क्लॉक मिलेंगी और उसको आप यूज कर पाएंगे। तो उसके लिए सिंपली सेटिंग्स में चाहिए ऑलवेज ऑन डिस्प्ले या लॉक स्क्रीन के अंदर जाएंगे, वहां पे आपको लॉक स्क्रीन का ऑप्शन मिल जाता है, लॉक स्क्रीन, क्लॉक फॉर्मेट। यहाँ आपको चार ऑप्शन है, चारों के चारों जो है काफी अच्छे ऑप्शन है। ऐसे ऑप्शन जो आपको किसी भी इन चारों फोन में देखने को नहीं मिलते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये मेरा फेवरेट है। इसके अंदर आपको काफी क्लीन लुक मिल जाता है, काफी अच्छा लुक मिलता है, कोई ज्यादा कस्टमाइजेशन नहीं है, तो यानी कि आपको ज्यादा चिंता करने की भी जरूरत नहीं है। जो भी क्लॉक पसंद है सारी की जैसी ये मोस्टली देखने को मिलती है, बस आपको सेंटर में पोजीशन होती है, लेफ्ट में पोजीशन होती है, या फिर आपको कुछ इस तरह का लेआउट आपको मिल जाता है। और लॉक स्क्रीन ओनर इन्फो यहाँ पे आप मिल जाता है, जहाँ पे आप कुछ भी ऐड करके एक अलग सी लॉक स्क्रीन जो है अपने फोन पे अब आप पा सकते हैं, और कुछ इस तरह का लुक जो है अब आपको भी अपने Xiaomi के MIUI 14 के अंदर यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो मेरी फेवरेट तो जो है MIUI 14 की लॉक स्क्रीन है, क्योंकि मुझे ज्यादा किसकी चीजें यहाँ पसंद नहीं है। एक सिंपल सा लुक है, बाकी चीजों में काफी चीजें आप कस्टमाइज कर सकते हैं, बट मैं ज्यादा कस्टमाइज नहीं करता हूँ। तो मेरा फेवरेट तो MIUI 14 है। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको इन पांचों ही लॉक स्क्रीन के अंदर से किसकी लॉक स्क्रीन जो है ज्यादा बेटर लगी है और किसका कस्टमाइजेशन जो है आपको ज्यादा बेटर लगा है। तो मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगा। तो उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देगा। चैनल के सपोर्ट एंड मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।